अब दुनिया भर में कोई बंदा चलो मैं तो छोटा हूँ इमाम बंदयालवी रही के हम पल्ला इस इबारत की शराब पेश करने वाला कोई पेश करे जो मैंने की और जो बंदयालवी साहब रहमत ले ने की इसमें कोई फर्क बताए और जो आज वजीफा खोर वहाँ के वो देखे की उनकी हैसियत क्या है की अहले बैत के मुतालिक ये अकीदा कि खता नहीं हो सकती ये अकीदा किसी शिया का तो हो सकता है मगर अहल सुन्नत का नहीं हो सकता यानी जो बयानिया पीर मेरली शाह का था वही इमाम बंद रमत का था और वही बंदा ना चीज का है तो उस्ताद साहब ने कहा अगर आज तुम तो मुझे बेअदब कहते हो तो फिर ये तो तुम्हारा फतवा पीर मेरली शाह पे लगेगा जाके और आज पिछलों को मैं कहता हूं जो मुझे कह रहे हो ये इमाम बंदयालवी पे जाएगा और जो इमाम बंदयालवी पे जाएगा वो पीर मेरली शाह साहब तो रहमत पे जाएगा अब ये जो पिछले साल कई धरती धकेल सिंह खतीब जो हैं वो जोर लगाते रहे कि तुम तो नबियों के भी गुस्ताख बन गए हो पहले तुम सईदा के गुस्ताख थे कि तुमने कहा कि उनसे खता हुई आदम सलात से इमाम बंदयालवी ने तो यहाँ मुतलकन लिखा है खता सरजद हो गई और पूरे मुल्क में अगर इस वक्त खतीबों और इमामों की लिस्ट बनाई जाए तो कम अज कम पचासी फीसद तो या इनके शागिर्द होंगे या शागिर्दों के शागिर्द या शागिर्दे शागिर्द, शागिर्दों के शागिर्द या उससे भी आगे यानी ये कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है ये जो एक झगड़ा था कि पीर साहब की इबारत का ये मतलब नहीं बनता वो मतलब बनता है तो अलामा अता मोहम्मद बंदयालवी के पाए का तो कोई आलिम नहीं है जो पीर साहब की इबारत की शरह कर सके शर। और आपने जो शराह की वो वही शरा है कि जो आपके विशाल के बाद इतफाकी तौर पर मैंने भी लोगों के सामने की उस मसला के इजहार के लिए सैफुल अल्ता है नीचे लिखा है यानी निकाह सैदा बा गैर सैद की शरी है तो इस किताब के सफा नंबर ये 214, 215 और इसके साथ आगे इसकी वजाहत इसमें आपने ये वनवान दिया है ये मोटा जो नजर आ रहा यानी ये बीमारी उस वक़्त भी थी एक जिसका आपने इधर करके ये जरूरी समझा कि मैं इसके बारे में लिखूं। वनवान ये है ये अकीदा हरगिज दुरुस्त नहीं मशाइ खताओ निशियान से पाक होते हैं मेरी हैसियत नाकिल की है हर लफज लिखा हुआ है किताब में और हर लफज के अंदर बड़ा दर्द है और इसलाह का पैगाम है और है उनकी तरफ से यानी जिनकी आप पोते शागिर्द या पड़पोते शागिर्द मसंद तदरीस पर पूरे मुल्क में बैठे हुए हैं फरमाते हैं आज कल आवाम बल्कि बाज खवास का भी मशाइ के मुतालिक राफ़जियों और अहल तशय जैसा अकीदा है यह है दन दनाता हुआ मसलन कहते हैं आज कल मुरीदीन व मुतवस्लिन का यह अकीदा है कि हमारे मशाइ से खता सरजद नहीं हो सकती और उनका हर कौलो फेल खता से पाक है सतूरे जैल में इस पर दलाइल दिए जाएंगे कि मशाइ से खता सरजद हो सकती है ये बंदियालवी साहब रहा की इबारत है कि इस मौजूद को उन्होंने ज़रूरी समझा कि हमारे माशरे के अंदर ये जो एक कल्चर डिवेल्प हो रहा है बल्कि हो चुका है अपने पीर को खावो सैद है या गैर सैद या फिर सदात कराम को कि इतना ऊपर समझना कि ये हो ही नहीं सकता कि ये खता करें अब ये दलील भी हो ब वही है जो अपने तौर पर हमने मसला समझाने के लिए हजरत सयद फातिमा तला के मसले पर जो पहले दिन से और जो वफद हमारे पास आया था मेख का उस दिन जो दलील पेश की हालांकि उस वक्त मेरे सामने ये किताब नहीं थी और ना ही ऐसी बातें हमें जब उसताद पढ़ा रहे थे तो उस वक्त कोई कभी आई थी सामने क्योंकि उसके बाद यह मसला बना बानवे तिरानवे चौरानवे के अंदर और फिर इस पे ये चलता रहा जब हम पढ़ चुके थे उस्ताद साहब के पास से फरमाते हैं कि मैं ये दलील देता हूं कि मशाइ से खता सरजद हो सकती है अब दलील क्या है कहते हैं ये सफा नंबर 216 सो है कि कितनी बड़ी बीमारी का इदराक किया था इमाम बंदेलीवी रम्ला ने और अल्लाह ने हमें उस ऑपरेशन की तोफीक दी कि जो बड़ा पुराना एक जो है वो नासूर बन चुका था क्या दलील है कहते हैं अल्लाह ताला का फरमाना वला तकरबा हाज हि शाहजहा आदम को जो अल्लाह का खिताब है वला तकरबा हाजी शाहजा रहा फतकू मिन मिनिमी इतना लिख के मेरा अपना नुकता नजर जो भी हो इस वक्त मैं नाकिल की हैसियत से उस्ताद साहब का कलाम नकल कर रहा हूं और मेरे नजदीक उनका कलाम सही भी है लेकिन इल्म मुनाजरा के मुताबिक जिससे नकल किया जा रहा है सबसे पहले वो जिम्मेदार हैं अगर कायल नकल को साबित कर दे कि वाकई ये उनकी गुफ्तगु है अब ये जो पिछले साल कई धरती दकेल सिंह खतीब जो है वो जोर लगाते रहे कि तुम तो नबियों के भी गुस्ताख बन गए हो पहले तुम सयदा के गुस्ताख थे कि तुमने कहा कि उनसे खता हुई आदम अलह सलातलाम से अब तर्जमा देखो आदम अलह सलात को खास दरख्त का मेवा खाने से मना मना फरमाया गया लेकिन शैतान ने उनको फिसलाया और उन्होंने मेवा खा लिया इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम से खता सरजद हो गई मुतलकन लफज खता है इजतहादी की भी बात नहीं हो रही लफज में मुराद अगरचे वो आज तो कई ऐसे भी सज्जा नशीन है वो कहते हैं उस वक्त पहले तुमने खता कहा फिर साथ इजतहादी की कैद लगा रहे हो अब इमाम बंदयालवी ने तो यहां मुतलकन लिखा है खता सरजद हो गई और पूरे मुल्क में अगर इस वक्त खतीबों और इमामों की लिस्ट बनाई जाए तो कम अज कम पचासी फीसद तो या इनके शागिदोंगे या शागिर्दों के शागिर्द, या शगिर्दोंगे शागिर्दों के शागिर्द या उससे भी आगे यानी यह कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है कि जो उसूल से वाकिफ ना हो अकद से वाकिफ ना हो जिनकी सारी जिंदगी आलिम बनाते गुजर गई और सत्तर साल से जाय और बड़े बड़े जितने मराकज थे सब ने बतौर एजाज एक साल दो साल तीन साल चार साल यानी इनको दावत देकर अपने साहबजादों को या को पढ़वाया इनसे तो आपने ये लिखा हजरत आदम से खता सरजद हो गई हालांकि आप अल्लाह ताला के नबी और मजदूद मलाका थे और आज भी नबी हैं तो साबित हुआ कि मशाइ से जो रुतबा में अंबिया से बहुत कम है कौन मशाइ जो रुतबा में अंबिया से बहुत कम है के औ खता सरजद हो सकती है तो बंदियाली साहब रहमत आयत पेश करके अल्लाह के एक नबी का मकामो मरतबा बयान करके उसे मानते हुए फिर जो कुछ आयत में है उसके लिहाज से आगे ये लिखा और इस्तार यूं किया कि जब अल्लाह के अजीम पैगंबर जो मसजूद मलायका थे मसजूद मलायका आगे इसमें बास है यानी हैसियत किबले वाली थी और सजदा में अल्लाह को ही था मगर ये जो आम मजाजन कह दिया जाता है तो उसमें तो साबित हुआ कि मशाइ से जो रुतबा में अंबिया से बहुत कम है औला खता सरजद हो सकती है अगर यह कहा जाए कि मशाइ से खता सरजद नहीं हो सकती तो फिर क्या होगा तो फिर मशा का रुतबा अंबिया से भी बढ़ गया जो कि बिल्कुल गलत है आपने यहां ये दलील फिर दी जो दलील हमने भी पेश की और ये हक दलील है दूसरी तरफ रिफज है उनके नजदीक का माजल्ला किसी को अम्बिया से बढ़ाओ या खुद अल्लाह से भी ज्यादा शान बयान कर दो वहां हजम हो जाती है लेकिन हम अहल सुन्नत हैं यहां उसूल हैं चौदह सदियों के कुरान सुन्नत का पहरा है इस बुनियाद पर ये लिखा आपने और फिर आगे फरमा अम्बिया की खता और मशा की खता में दो फ़र्क हैं वो आगे अलीहदाबाज है लेकिन खता का लफज बग़ैर इजिहादी के लफज के ये लिखा और आगे इस पर आपने अकायद नस्वी से एक दलील पेश की जो कि उस जिस तरह मंतिक फलसफा के बादशाह थे इलम कलाम के भी बादशाह थे और बंदा ना को ये शरफ़ हासिल है कि हमने शरा अकायद ही आपके पास नहीं पड़ी बल्कि ख्याली भी पड़ी है और ख्याल आते ख्याली बस अजीम बराए हू अब्दुल हकीमस्त तो ख्याली जो बंदा बरसीर में पढ़ाता था कभी तो उसके घर पर झंडा लहराता था कि ये आम घर नहीं ये ख्याली पढ़ाने वाले उस्ताद का घर है यानी एजाजी तौर पर आपने शरा नस्फी की इबारत पेश की ब लोगो वली जुन दर्जा तल अंबिया हमारे असूल हैं कि वली अंबिया के दर्जे को नहीं पहुंच सकता ले अंदल अंबिया मासूमू ना क्योंकि अंबिया अल मुसल मासूम है खात्मा थे वो सवे खात्मा के खौफ से मामून है उन्हें कोई खतरा नहीं कि कहीं खात्मा बिलखैर ना हो उन्हें ऐसा कोई खतरा नहीं उनका खात्मा बिल खैर ही होना है और जो गैर नबी हैं, उन्हें खतरा है मुकरमून बिलवाह अंबिया परवाही उतरती है अब करामिया एक फिरका हुआ है वो कहते हैं कि वली नबी से अफजल हो सकता है अब चूंकि वहाँ पर गैर नबी को नबी पर फजीलत दी जाती है तो हमारे इल्म कलाम में है फमा नोकिलान वली अफदलाफर फिरका करामिया के अंदर जो ये बात है कि वली नबी से अजमत में बढ़ जाता है ये कुफर है ये करामिया की ये बात कुफर है ये सही नहीं है जिस तरह के रवाफिज के हां तो बार बार ये कहा जाता है तो करामिया में वलायत नबूवत से अफजल है उनके नजदीक तो आपने फरमाया कि ये जो नकल किया गया है उनका यह शरात नस्फी से कि ये कुफर है अब फिर उस बात की तरफ लौटते हैं यानी जहां आज मसला सैयद आफातमत जहरा रदी अल्लाह त के लिहाज से हुआ उस वक्त उन्होंने इस जगह लफ्ज मशाइख रखा लेकिन मुराद इससे मुकम्मल गैर नबी हजरत सिद्दी के अकबर अल्लाह तला से लेकर आज के किसी पीर तक सारे आहले बेत अतहार आलेबा सब का एक ही हुक्म है कि वह सब वली हैं कोई भी इनमें नबी नहीं यानी तन पाक के अंदर सरकार के सिवा आहले बेत अतहार के जो अफराद जो खलफा राशिदीन जो गौ से आजम सारे ओलिया जो हैं सब गैर नबी हैं और गैर नबी के लिहाज से दलील दे रहे हैं और लफज लिखते हुए फरमाते हैं फिर मशाख तरीक़त के मुतक अवाम या खवास का ये अकीदा कि हमारे मशाक से किसी किस्म के ख़ाव निशान का सुदूर नामुमकिन है बस जो शख्स इनके किसी कौल या फेल के साथ शरी दलील की बिना पर भी इख्तिलाफ करे वो बेअदब और गुस्ताख है शरी दलील से भी इख्तिलाफ करे क्योंकि ऐसा अकी रच बस गया है पीर के बारे में कि पीर से तो खुता हो ही नहीं सकती तो ये जो उनका रद्द कर रहा है आयत पेश करके हदीस पेश करके इसको नहीं देखा जाता कि आयत है हदीस है देखा जाता है कि पेश करने वाला कौन है तो फिर उसे बेअदब और गुस्ताख कहा जाता है और फिर जिस तरह हमारे खिलाफ ताल्लुकी की एक चली तहरीक पीर खाने से और ऐसे गुस्ताख से मेल मिलाप रखना गैरत तरीकत के खिलाफ है यानी ये आप उनका मकूला जिक्र कर रहे हैं चूंकि इस बंदे ने पीर साहब से इख्तिला किया है अगरचे कुरान पेश करके किया अगरचे हदीस पेश करके किया है, तो ये गुस्ताख है और कोई भी पीर भाई इससे ना मिले अगर वो मिला तो बेगैरत है ना मिले तो फिर गैरत तरीकत पाई जाएगी और ये कहते हैं कि ये गैरत तरीकत के खिलाफ है आप लिखकर अपना तबसरा इस सोच के बारे में करते हैं फरमा इस किस्म की सोच और नुकता नजर महज अंधी अकीदत की पैदावार है यानी कुरान और सुन्नत को ना देखना पीर को देखना और फिर कुरान और सुन्नत और दलील की बुनियाद पर इख्तिला करने वाले को गुस्ताख कहकर उससे मेल मिलाप बंद करना यह क्या है फरमाया ये अंधी अकीदत की पैदावार है जो ना सिर्फ एक अकलमंद इंसान के नजदीक नाकाबिल कबूल है बल्कि ये अकीदा खुद अकाबर मशाक सलफ की अपनी तस्हत के भी सरासर खिलाफ है अकाबर भी इसकी हमायत नहीं करते चुनाचे अब मौका आया है कि तस्फिया को पेश किया जाए चुनाचे बंदा के पीरो मुर्शिद इमाम बंदयालवी कहते हैं चुनाचे बंदा के पीरो मुर्शिद गौ जमा राज दौरा हजरत आला गोलडवी सिर रूहू अपनी तसनीफ तस्फिया माबेन सुन्नी वाशिया में जेर तशरी आयते ततहीर तहरीर फरमाते हैं आगे वो है कि जो हमने पेश किया तो शरक गरब रिफज को आग लगी वही लफज आयत ततहीर का यह मतलब नहीं कि यह पाक गुरु मासूम है मुताहर तो हैं, मगर मासूम नहीं आयते ततहीर का ये मतलब नहीं कि ये पाक गुरु कौन अले अबा अले बेतियत तहार कि ये पाक गुरु मासूम हैं और सुदुरे खता इनसे ना मुमकिन है इन्नमा युरी दुल्लाहुल्लायुस हिबान कुमरी साहल बेत वयुता हीराकुम ततहीरा यानी इस आयत का ये मतलब नहीं उस वक्त जो छापा था उस पे ये सफा चौवन है ये उन्नीस सौ उनासी का जो छापा है और ये सफा अठावन है उसी वही इबारत अब शराह में लिखते हैं अब दुनिया भर में कोई कोई बंदा चलो मैं तो छोटा हूं इमाम बंदयालवी अलैह के हम पल्ला इस इबारत की शरा पेश करने वाला कोई पेश करे और फिर जो मैंने की और जो बंदियालवी साहब रहमत लेने की इसमें कोई फर्क बताए और जो आज वजीफा खोर वहां के कर रहे हैं वो देखें कि उनकी हैसियत क्या है इसमें बार बार आपने मुख्तलिफ अलकाब ऐसे खतीबों को दिए और वो भी बड़े दिलचस्प खिताबात हैं जो बंदियालवी साहब रहा ने दिए फिर ये भी कहा कि आप पढ़ेंगे तो कहेंगे बड़ा सख्त लिख रहे हैं तो कहते हैं कि जरो तादील में ऐसे लफ्ज़ बोलने पड़ जाते हैं वो वजीराबाद के मुफ्ती को आपने बहुत सुनाई आप सुनो आपने ये जुमला तहरीर फरमा कर जहां शिया के बाज अकायदे बातिला का रद्द किया सुनियों के नहीं शिया का क्या लिख के आयत ततीर का ये मतलब नहीं ये पाक गुरो मासूम है और सुदूर खता इनसे नामुमकिन है ये लिख के आपने शिया के बाद अकायदे बातिला का रद्द किया सवाल यह है कि आग सुनियों को क्यों लगी ये पिछले साल तो पता चला के गल वे चोर है यानी ये लिख दिया पहले उस्ताद साहब ने कि ये रद है जिनका वो सुन्नी नहीं जहां शिया के बाद अकायदे बातला का रद किया वहां अपने अहल सुन्नत मुतवसलिन को भी बताना चाह यानी ऊपर से अहले सुन्नत है या सही अहले सुन्नत है उनको भी बताना चाह क्या कि अहले बैत के मुतालिक ये अकीदा कि खता नहीं हो सकती ये अकीदा किसी शिया का तो हो सकता है मगर अहल सुन्नत का नहीं हो सकता ये अकीदा किसी शिया का तो हो सकता है अहले सुन्नत का किस अकीदे पर जिस पर हमारी जंग हुई जिसको हमने अहले सुन्नत कहा दूसरों ने उसे नासबियत कहा और हमने उन्हें राफिजियत कहा कि ये जो तुम कह रहे हो कि ये रिफ़्ज़ है कि आह बैत अतारदान से खता का सुदूर ना मानना इमकान ना मानना ये रिफ़्ज़ है इमाम बंदयालवी कहते हैं कि पीर मेर अली शाहब रहा ने यह इबारत लिखकर अपने सुनियों को बताया कि वो आयते ततहीर पढ़ के और आगे यह कहना कि इनसे खता हो ही नहीं सकती ये किसी शिया का तो अकीदा हो सकता है सुन्नी का नहीं हो सकता नहीं देखो कितने साल पहले एक मसले का सिलसिला जारी था लेकिन पर्दे में बंद था और अल्लाह ने हमें उस ऑपरेशन की तोहफी कथा फरमाई यानी इस इबारत से पीर साहब ने क्या बताना चाहा कि आहले बैत के मुत ये अकीदा कि खता नहीं हो सकती किसी शिया का तो हो सकता है मगर अहल सुन्नत का नहीं हो सकता ये एक एक लफज इमाम बंदयालवी का है और फिर अब अपने पीर साहब के लिहाज से कहते हैं और फिर वो भी किसी चिश्ती कादरी और हनफियल मसलक सुन्नी का कहते हैं ये बसिलसिला निशियान हजरत आला गोलरवी रहा बाला तसरी के तहत यानी इस इबारत से क्या साबित हुआ मुह्वा बाला जिसका हवाला दिया गया है इस इबारत के तहत यानी अमूमी तौर पर यह भी कहते हैं ना कि यह नक्शबंदी है और चिश्ती बड़ा चिश्तियों का अपना जौक है तो बंदेलवी साहब ने कहा कि थरीयत में चिश्ती नक्शबंदी सब एक है शरीयत में कोई ऐसा जौक नहीं कि जहां चिश्ती को छुट्टी मिल जाए तो सैयदना मेर अली शाहमाले तो चिश्ती हैं गोलड़वी हैं, है मसलक हैं तो कहते हैं मुहवला बाला तसरी के तहत हजरत आला गोलड़वी की मुहवला बाला तसरी के तहत बैत रदी अल्लाह तुम ना मासूम है और ना ये कि उनसे खतियान का सदूर नामुमकिन है ना मासूम है और ना ये कि उनसे खताओ निशियान का सुदूर ना मुमकिन है अब ये सारी जंग थी और ये नहीं कि ना उस्ताद साहब को ना पीर साहब को ना हमें कि कोई अहल बैत रदी अल्लाह तुम के लिहाज से को दिल में वरम है माजल्ला मामूली साहबी ऐसा नहीं मकसद ये है कि दूसरी बात रवाफिज की है और वो कुफर तक पहुंचाती है अब यहां लफ्ज अहल बैत पर नीचे इमाम बंदयालवी ने खुद आशिया लिखा क्या बैत कौन है अज़वाज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नंबर पे अजवाज का लिखा बैत में चूंकि इनकार उनका किया जाता है और आले अबालाम जिन्हें चादर में लेकर रसूल पाकलम ने फरमायादिमाजीत हो हजरत हो हज़रत सैद इमाम हो ये चार शख्सियात और सारी अजवाज मुता रजी अल्लाह तुन्ना कहा के पीर मेरा शाहब इनके बारे में कह रहे कि ये मासूम नहीं है और खताव निस्यान का सदूर इनसे नामुमकिन नहीं है बल्कि मुमकिन है अब ये लिखकर वाजे हो कि अजवाजे मतहरात और आले अबा का क्यामत तक आने वाले सलासत के तमाम मशाइ पर बशमूल उलमाओ को अफजल होना एक मुजमा अल हकीकत है मुजमा यानी जिस पर इजमा किया गया है इजमा है कि अजवाज मुतहरा सैयद ऐशा सिद्दीका रदी अल्लाह ये आले जिन पर चादर देकर सरकार ने फरमा किस बात पर इजमा है कि क्यामत तक के हर पीर हर मुफ्ती हर आलिम हर शेख हर गौस हर कुतब पर इनकी फजीलत तयशुदा है कि आले अबा और अजवाज मतारात सबसे अफजल हैं इस पर इजमा है तो जब मजकूरा फाजिल तबका से भी खताओ निस्यान का सदूर नामुमकिन नहीं ठहरा तो तबका मफजूल यानी मशाख तरीकत वगैरह खत निस्यान का सदूर बतरीके औ मुमकिन हुआ उन्हें तो यह साबित करना पड़ रहा था ना पीरों का तो दलील कैसे दे रहे हैं कि पीर हैं मफजूल जिन पर फजीलत दी गई है और अजवाज मतहरात और आल अबा ताला वो हैं फाजिल इन पर फजीलत रखने वाले तो जब फाजिल तबका से खता का सुदूर माना जा सकता है तो फिर ये मफजूल से क्यों नहीं माना जा सकता इनसे तो बतरीके औला माना जा सकता और यहां पर फिर आप लिखते हैं कारीन करोड़ों सलाम हो रूहे बंदयालवी को जो पहाड़ों के दरम्यान आराम फरमा है अपने मरकदे पुरनूर में कह रहे हैं कारीन ए पढ़ने वालों यहां ये सिलसिला हामे शरिया हजरत की एक अजीम वजाहत किसकी पीर मेरा इशास रहा की एक अजीम वजाहत फरमाते हैं ये अजीम वजाहत बाज काजिब मुद्दियाने मोहब्बत आले बैत को दावते फिक्र देती है काजिब मुद्दान कि जो मोहब्बत आले बैत के मुद्दई हैं मगर हैं झूठे पीर मेर अली शाहब की इबारत जो मैंने भी पेश की और जो पीर साहब ने भी पेश की और मुद्दयान आज भी उसी तरह ही रहे बाज के बाद मुद्दाने मोहब्बत को दावते फिकर देती है वह माना नहीं कि किसास्लाम के लिए जुदागाना कामेश भेजे हैं तस्वीर की सफ़ा नंबर छप्पन पे है यह लिखकर आपने उन, उन फाशिदुल अकीदा लोगों की इस ख्याल को रद्द कर दिया यह भी इसलाह जरूरी है कौन सी कि जिनके नजदीक अवाम की शरीयत और है और अहल बैत रदी अल्लाह की शरीयत और ये लिख कर आपने उन अकीदा लोगों के इस ख्याल को रद्द कर दिया जिनके नजदीक अवाम की शरीयत और है और अहल बैत की शरीयत और है आप कहते हैं ऐसा हरगिज नहीं बल्कि हजरत गोलडवी की ताकिक व अकीदा के मुताबिक शरी हम के इतलाक की हैसियत में आम मुसलमान और अहल बैत दोनों बराबर हैं शरी आका में दोनों बराबर हैं जो हुक्म एक आम मुसलमान के लिए है वही हुक्म अहल बैत के लिए भी है ये आज वाले सारे लोगों को दावत है फिर यानी जो बयानिया मेरली शाह का था वही इमाम बंद रहा था और वही बंदाना चीज का है तो उस्ताद साहब ने कहा अगर आज तुम तो मुझे बेअदब कहते हो तो फिर यह तो तुम्हारा फतवा पीर पे लगेगा जाके और आज पिछलों को मैं कहता हूं जो मुझे कह रहे हो यह इमाम बंदयालवी पे जाएगा और जो इमाम बंदयालवी पे जाएगा वो पीर अली शाह साहब तो पे जाएगा यह सफा नंबर दो सौ सत्रह सैफुल्ल का अब फरमाइए कि हजरत गोल्डवी की इस वजह शरिया को क्या कोई सुनील लकीदा आल बैद की गुस्ताखी पर महमूल करने की नापाक जसारत कर सकता है कि फिर मेर अली शाह साहब कह रहे हैं कि यह गुरु मासूम नहीं और ये कि खता का सुदूर हो सकता है और ये कि आकाम शरीयत में गैर सैयद और सैयद साहब एक जैसे हैं है किसी के अंदर यह जरूरत है कि फिर मेर अली शाहब पर बेअबी और गुस्ताखी का फतवा लगाए कि वो वह अहबै की गुस्ताखी कर सकते हैं तो जब वो नहीं कर रहे तो फरमाया मैं भी नहीं कर रहा और जब इमाम बंदयाल भी नहीं कर रहे तो उनके शगिर्द भी नहीं कर रहे इस वजात शरिया को क्या कोई सुननी और लकीदा रफ की बात नहीं सुननी और लकीदा बैत र की गुस्ताखी पर मामूल करने की नापाक जसारत कर सकता है मालूम हुआ कि किसी शरी और फिकी हुक्म को सामने लाना या किसी दलील शरी की बुना पर मशाइ और अहले बैच से इख्तलाफ करना गुस्ताखी हरगिज नहीं बल्कि ऐन दीन है